नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। लंबे अरसे से चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज फैसला होने जा रहा है। बता दें कि आज झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव अभी जेल में ही रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिल सकती है। बता दें कि चारा घोटाला के पांच मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को फैसला होगा। बता दें कि यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बता दें कि आज लालू की जमानत पर सुबह 11 बजे लालू के वकील और सीबीआई में वकील कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से लालू यादव की जमानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। वहीं सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल की सजा की आधी अवधि जेल में नहीं बिताई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। लालू प्रसाद का कहना है कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिताए हैं, जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है। वे आधी सजा से 11 माह ज्यादा जेल में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें अदालत से जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बता दें कि लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल के कैदी हैं, जिन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में लालू की एक किडनी फेल कर जाने पर उन्हें विशेष इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया है। अभी लालू की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर पहुंच गया है। लालू की बेटी मीसा भारती दिल्ली में अपने पिता की देखरेख कर रही हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लोगों से दुआएं करने की भी अपील की है। वहीं आज झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। 11 बजे से सुनवाई दलीलें पेश की जाएंगी कोर्ट में, जिसके बाद से ये साफ हो पाएगा कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर उन्हें अभी और जेल में रहना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।